हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तारीख है 19 सितंबर 2020, और आज के दिन से ही IPL का 13वां सीजन शुरू हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बहुत परेशान और कंफ्यूज हैं, क्योंकि हॉट स्टार वालों ने काम ही ऐसा किया है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, अब हॉट स्टार पर IPL देखना है तो हॉट स्टार वाले जो बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपके पास जो भी कंफ्यूजन है रिचार्ज प्लान को लेके वो दूर हो जाए। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मामला यहाँ फंसा है कि इस बार हॉटस्टार वाले IPL दिखाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं। पहले एटलीस्ट जियो यूजर के लिए हॉटस्टार पे IPL देखना फ्री था, लेकिन अब इस पर हॉटस्टार वालों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप IPL देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP की एक साल की प्रीमियम मेंबरशिप खरीदना पड़ेगा, और एक साल की प्रीमियम मेंबरशिप की कीमत है 399 रुपये। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप सिंपली जाके हॉटस्टार को डायरेक्टली 399 रुपये पे करके एक साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले सकते हैं। बट यहाँ पर भारत की जो सबसे मेन टेलीकॉम कंपनी है जियो और एयरटेल, इन दोनों ही कंपनियों ने हॉटस्टार के साथ पार्टनरशिप करके अपने कस्टमर के लिए कुछ नए प्लान लाई हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जियो के कुछ प्लान हैं जिनके रिचार्ज पर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP की एक साल की मेंबरशिप फ्री में मिल जाएगी। रिचार्ज प्लान शुरू होते हैं 401 रुपये से। अब इस 401 रुपये वाले प्लान में आपको मिलेगा 28 दिन की वैलिडिटी और 90 GB डेटा, और साथ में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फ्री मेंबरशिप, वो भी पूरे एक साल के लिए। इस 401 रुपये वाले प्लान में आपको कोई भी कॉलिंग या SMS की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरा एक रिचार्ज प्लान है जियो का, वो है 598 रुपये का। इस प्लान में आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलती है, और इस प्लान के साथ आपको 2 GB डेटा पर डे मिलता है। साथ में आपको 2000 मिनट कॉलिंग के लिए मिलेंगे और 100 SMS पर डे मिलेंगे। और इस प्लान के साथ भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP की एक साल की मेंबरशिप फ्री में मिल जाती है। एक तीसरा प्लान भी है जियो का, वो है 777 रुपये का, और इसमें आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है। साथ में आपको 1.5 GB का डेटा पर डे मिलेगा, और कॉलिंग के लिए आपको 3000 मिनट मिलेंगे। 100 SMS पर डे भी आपको इसमें मिलेगा, और इस प्लान के साथ भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP की एक साल की मेंबरशिप फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जियो का एक साल का भी प्लान है। इस 1 ईयर प्लान के लिए आपको 2599 रुपये चुकाने होंगे, और इसमें आपको मिलेगा 365 दिन की वैलिडिटी, 740 GB डेटा, यानी कि 2 GB डेटा आपको पर डे मिलेगा, और साथ में आपको जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग और नॉन जियो फोन के लिए आपको 12000 मिनट भी देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक साल की मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ये तो प्लान थे जियो के। अब इनमें से आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, सेम इसी तरह का प्लान एयरटेल ने भी लॉन्च किया है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मेन मुद्दे पे बात आते हैं। ये तो हो गए प्लान की बात, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें सिम कार्ड भी होगा, उसमें पहले से एक्टिव प्लान भी होंगे। ऐसे में अगर आप इन सभी प्लान में जिनमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो मेंबरशिप है वो फ्री मिल रही है, उससे अगर आप रिचार्ज करते हैं, तो आपके जो पहले से डेटा प्लान एक्टिव है, जो प्लान पहले से एक्टिव है, उसका क्या होगा? क्या वो प्लान ख़त्म हो जाएगा? दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो ये है कि मान लीजिए कि आपके पास जियो का सिम कार्ड है, और आपने या तो पहले से रिचार्ज करा के रखा है हॉटस्टार VIP वाला, या फिर अभी आपने 401 या 598 वाला कोई रिचार्ज कर लिया, और आपके पास कोई दूसरा सिम कार्ड है एयरटेल का, तो क्या आप एयरटेल के डेटा से हॉटस्टार पे IPL देख पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। इसके अलावा सेम ऐसे ही अगर आपने एयरटेल के सिम कार्ड पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP वाला कोई रिचार्ज प्लान रिचार्ज कर लिया है, तो क्या आप जियो का सिम कार्ड यूज करके हॉटस्टार पे IPL देख सकते हैं? ये तो तीसरी कन्फ्यूज़न हो गई। चौथी कन्फ्यूज़न ये है कि मान लीजिए कि जियो या एयरटेल में हम कोई स्पेशल रिचार्ज कर लेते हैं, 401 या 598 या फिर कोई भी, तो ये रिचार्ज करने के बाद क्या करना होगा? कैसे हमें पता चलेगा कि हम हॉटस्टार VIP के प्रीमियम मेंबर बन गए हैं? और एक पांचवी बात जो कि कई लोग पूछ रहे थे, वो ये है कि एक VIP मेंबरशिप अकाउंट से क्या हम मल्टीपल डिवाइस में यूज कर सकते हैं उस
VIP अकाउंट को, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रॉब्लम के बारे में, और प्रॉब्लम ये थी कि मान लीजिए कि आपके फ़ोन में पहले से कोई पैक एक्टिव है और अब कोई आप 401 या 598 वाला प्लान ले लेते हैं तो क्या पुराना वाला प्लान डीएक्टिवेट हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके जो प्लान पहले से एक्टिव है वो भी एक्टिव रहेगा, और अभी आप जो रिचार्ज करेंगे वो दोनों ही एक्टिव रहेंगे, दोनों अपने अपने वैलिडिटी के हिसाब से ख़त्म होंगे। तो ये वाली बात आई होप कि कन्फर्म हो गई होगी, आपके कोई प्लान डीएक्टिवेट नहीं होंगे, दोनों ही प्लान एक्टिव होंगे और दोनों अपने वैलिडिटी के हिसाब से ही ख़त्म होंगे। दूसरी बात ये कि अगर जियो के सिम कार्ड में रिचार्ज कर लिया है तो क्या एयरटेल से हॉटस्टार पे IPL देख पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल आप देख पाएंगे, क्योंकि जब आप 401 या 598 या फिर अगर आप एयरटेल के सिम कार्ड में कोई हॉटस्टार VIP वाला रिचार्ज प्लान कराते हैं तो आपको एक साल की प्रीमियम मेंबरशिप मिल जाती है। इसमें आप किसी भी कंपनी के वाईफाई, किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करके हॉटस्टार पे IPL देख पाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, अगर आपने जियो के सिम कार्ड में रिचार्ज कर लिया है या फिर एयरटेल के सिम कार्ड में रिचार्ज कर लिया है तो किसी भी कंपनी के सिम कार्ड पे जिसका डेटा अच्छा चल रहा हो उससे आप IPL देख सकते हैं हॉटस्टार पे। बस आपको VIP मेंबरशिप बनना होगा। अब बात करते हैं कि जियो एयरटेल में जो ये रिचार्ज उनको करने के बाद VIP मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा? तो सिंपली है, आप जिस भी कंपनी के सिम कार्ड में रिचार्ज करेंगे उस सिम कार्ड से आपको हॉटस्टार एप्लीकेशन ओपन करना है। वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइंस दिख जाती हैं, वहाँ पे ऊपर उस पर क्लिक करिए, लॉगिन का ऑप्शन आता है, और जिस भी नंबर पे आपने रिचार्ज किया है उसको जाके वहाँ पे इंटर करिए, आपके नंबर पे OTP आएगा और वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्री मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ये भी प्रॉब्लम आई होप कि सॉल्व हो गई होगी। और एक आखिरी ये कि अगर आपके पास एक VIP मेंबरशिप अकाउंट है तो क्या आप उस अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में यूज कर सकते हैं? तो ये बात मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था, तो मैंने चेक किया और हाँ ऐसा पॉसिबल है। मेरे दोनों फ़ोन में एक ही अकाउंट से लॉगिन है और दोनों में VIP अकाउंट एक ही अकाउंट है पर दोनों फ़ोन में चल रहा है, ऐसा अमेज़न प्राइम के साथ भी होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की ये वीडियो, आई होप कि पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके कोई दोस्त जो कन्फ्यूज़ हैं इस मामले में तो आप उन्हें ये वीडियो सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो देख के कम से रिचार्ज तो करा लें, IPL तो देख लें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे हर रोज़ क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ थैंक यू।